हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ शॉक का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलरेडी मैंने शॉक को एक्सप्लेन किया है एंड उसके स्टेजेस को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सो आप वो ज़रूर चेकआउट करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले शॉक क्या होता है, एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग क्यों है? क्योंकि शॉक में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। मींस जो ब्लड फ्लो है वो इनएडिक्वेट होता है, जिससे टिश्यूज़ की धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है। क्योंकि जब टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो टिश्यूज़ हाइपोक्सिया के कारण टिश्यू डेथ होती रहती है और इवेंचुअली क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है एंड पर्सन की डेथ हो जाती है। तो शॉक क्या होता है? शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन वेयर बाय द बॉडीज़ organ and tissues do not receive an adequate flow of blood. Shock में tissues को adequate flow of blood नहीं मिलता। It is characterized by decreased tissue perfusion. Decreased tissue perfusion का क्या मतलब है? Perfusion का मतलब होता है proper blood supply जब tissues को मिलती है। Decrease या फिर poor tissue perfusion का मतलब है कि tissues को proper blood flow नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, in which insufficient delivery of oxygen and nutrients, अगर blood proper नहीं मिल रहा तो oxygen और nutrients नहीं मिलेंगे बॉडी टिश्यू को, और क्या कंडीशन हो जाएगी, टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया क्या है? टिश्यूज को ऑक्सीजन ना मिलना एंड बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। और बॉडी में ही, क्योंकि जब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो टिश्यूज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेंगे, और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टिश्यूज में वेस्ट प्रोडक्ट का बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते, हमारी बॉडी में ही बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इफ अनट्रीटेड रिजल्ट्स इन सेल डेथ एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो सेल डेथ हो जाता है एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है एंड पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक कितने टाइप के होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सेकेंड हाइपोवोलेमिक शॉक, थर्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, इसमें क्या होता है कि हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी, हार्ट में खुद में कुछ वीकनेस आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसके वजह से हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। जब हार्ट ही ब्लड को पंप नहीं करेगा, बॉडी तक नहीं पहुंचेगा ब्लड, क्योंकि हार्ट के पंप करने से ही टिश्यूज तक ब्लड जाता है, जब यही पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, शॉक की कंडीशन अराइज होगी, जिसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, सीवियरली जो ब्लड है या फिर फ्लूइड है हमारी बॉडी से, वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो कि हार्ट से बाहर है, जिससे हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा। जब हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो आगे ब्लड को पास या फिर पंप नहीं कर पाएगा, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। देन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, सीवियर वेजोडायलेशन हो जाती है। सीवियर वेजोडायलेशन के कारण जो ब्लड प्रेशर है वो सीवियरली लो हो जाता है। इसमें 3 आते हैं, सेप्टिक शॉक मीन्स कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक एलर्जन की वजह से हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक कोई नर्वस सिस्टम में इंपेयरमेंट है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक को। देखो, कोई भी टाइप का शॉक हो, सभी टाइप ऑफ शॉक में इवेंचुअली क्या हो रहा है, सीवियरली लो ब्लड प्रेशर। सीवियरली लो ब्लड प्रेशर मतलब जो ब्लड का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा लो है। क्यों लो है? कार्डियक आउटपुट लो है, ब्लड ही नहीं है, फ्लूइड ही नहीं है बॉडी में, राइट? तो जब ब्लड फ्लो ही नहीं होगा टिश्यूज के पास पहुंचने के लिए, तो क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो सीवियरली लो होगा, इसलिए ही टिश्यूज के पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। So, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। देखो, कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? कार्डियोजेनिक इसलिए बोला गया है क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए इसका नाम कार्डियोजेनिक शॉक है। इज अ स्टेट इन विच द हार्ट हैज बीन डैमेज सो मच दैट इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप इज इम्पेयर्ड। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या हो रहा है कि जो हार्ट है वो खुद ही इतना डैमेज, इतना वीक हो चुका है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पंप नहीं करेगा ब्लड को, क्योंकि हार्ट का काम ही तो है ब्लड को पंप करना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी टिश्यूज तक फिर पहुंचता है हार्ट से ब्लड पंप होकर। तो जब हार्ट ही ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, अनेबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू दी ऑर्गन्स ऑफ दी बॉडी।
तो बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मेनली कार्डियोजेनिक शॉक में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? देखो कार्डियक आउटपुट लो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, आउट ऑफ द हार्ट कितना ब्लड जा रहा है 1 मिनट में, दैट इज कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। और हार्ट में भी जो ब्लड है वो कहां से निकलता है, देखो एक रफली सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं हार्ट का। सपोज यहां करते हैं, सपोज दिस इज हार्ट एंड इसके 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड यहाँ पर क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, राइट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। यहाँ पर क्या है, पल्मनरी आर्टरी है, ये पल्मनरी वेन है जो कि लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, आयोटा निकल रहा है जो कि ब्लड लेकर जा रहा है पूरी बॉडी में। तो इवेंचुअली जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या निकलता है, ब्लड पंप होता है, देन आयोटा में जाता है एंड देन हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, सो दैट इज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, ये कार्डियक आउटपुट ही लो होता है, मींस जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या फिर जो हार्ट है उससे ब्लड आगे पंप ही नहीं हो रहा, ब्लड आगे जा ही नहीं रहा। जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, हार्ट वीक हो जाएगा, तभी तो ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा, क्योंकि हार्ट ने ही तो कॉन्ट्रैक्ट करना है जिससे ब्लड ने आगे पंप होना है। तो इसमें क्या होता है, इन कार्डियोजेनिक शॉक द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज बीन इंजर्ड इन सम वे लीडिंग टू इम्पेयर्ड पंपिंग। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, मेनली इसी में प्रॉब्लम है, लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन प्रॉब्लम है जो कि पंप नहीं हो रहा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा एंड आगे ब्लड को पंप नहीं कर रहा। वो हम डिफरेंट कॉजेज पढ़ेंगे जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम पर इंटू हार्ट रेट पर। तो कार्डियक आउटपुट को हम कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, देखो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन वन हार्ट बीट। सो वन हार्ट बीट क्या है कि हार्ट रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो दैट इज वन हार्ट बीट। इसको बोलते हैं एक हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड जो है आगे पंप करता है, वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट तो हमें पता ही है, हार्ट रेट हमारा क्या है, नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट, ये हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है। और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो प्रीलोड, प्रीलोड मतलब कि हार्ट में कितना ब्लड आ रहा है, हार्ट में जितना ब्लड आएगा, जितना ब्लड फिल होगा, दैट इज प्रीलोड। कि डायस्टोली के टाइम पर, रिलैक्सेशन के टाइम पर हार्ट में कितना ब्लड फिल हो रहा है, तो उतना ही तो ब्लड आगे जाएगा, आगे फर्दर पास होगा। तो जितना ब्लड हार्ट में होगा उतना ही आगे पास होगा। अगर हार्ट में ही कम ब्लड फिल हो रहा है, प्रीलोड ही कम है, तो आगे भी तो कम ब्लड जाएगा। सो एक तो प्रीलोड पर डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकेंड डिपेंड करता है आफ्टर लोड पर। आफ्टर लोड क्या है कि हार्ट कितना जोर लगा रहा है कि आगे ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसने आयोटा में ब्लड को पंप करना होता है, और आयोटा में एक प्रेशर होता है ऑलरेडी जिसके अगेंस्ट उसको ब्लड को पुश करना होता है या फिर पंप करना होता है, सो दैट इज आफ्टर लोड। थर्ड फैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि कितने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी मसल्स में स्ट्रेंथ है। तो ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। सो क्या क्या कॉजेज है कार्डियोजेनिक शॉक के? सो देखो कार्डियोजेनिक का मतलब है कि हार्ट इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इंपेयरमेंट है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। सबसे पहले एक्यूट MI, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो देखो ये हमारा हार्ट है, रफली हम ड्रॉ कर लेते हैं हार्ट को, और ये हार्ट के चारों तरफ क्या है, बहुत सारी आर्टरीज हैं, और इन आर्टरीज को क्या कहते हैं, कॉरोनरी आर्टरीज। ये कॉरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं हार्ट को, राइट। और अगर इन आर्टरीज में ही कोई क्लॉट बन गया है, अगर इन आर्टरीज में कोई क्लॉट बन गया है, तो क्या ये आर्टरीज में से ब्लड फ्लो होगा, नहीं होगा प्रॉपर। तो ये ब्लड फ्लो जब आगे प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा, तो जिस एरिया को ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं वो एरिया डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने की वजह से क्या होगा, वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर पाएगा. सो दैट इज हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. जब वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हार्ट आगे ब्लड को पंप करेगा? हार्ट आगे ब्लड पंप नहीं कर पाएगा. और स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो अगर स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल को जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करी है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और ब्लड आगे आयोटा में पास नहीं होगा. जब आयोटा में ब्लड नहीं जाएगा तो पूरी बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा. तो स्पेशली अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के जो कॉर्नरी आर्टरीज है वो इम्पेयर्ड होती हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती हैं प्रोवाइड, तो क्या हो सकता है? कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी. अगर कार्डियक मसल्स डैमेज हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो भी जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाएगा. हार्ट वॉल्स प्रॉब्लम, हार्ट वॉल्स में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, सो यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या है? पल्मोनरी वॉल्व. यहाँ पर क्या है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व. और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में क्या है? आयोटिक वॉल्व. और अगर ये आयोटिक वॉल्व में ही कोई एबनॉर्मेलिटी है, ये बहुत नैरो है, तो क्या होगा? ब्लड यहीं पर इकट्ठा होता रहेगा एंड ब्लड आगे पास नहीं होगा. तो अगर वॉल्स में भी कोई एबनॉर्मेलिटी है तो ब्लड आगे पंप नहीं होगा हार्ट से. देन एक्यूट मायोकार्डाइटिस. अगर मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो मायोकार्डियम क्या है? उसी ने तो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, मेनली मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे. एंडोकार्डाइटिस. अगर इन्फेक्शन हो गया हार्ट के वॉल्स में, वॉल्स में ही इन्फेक्शन हो गया, वो थिक हो गए हैं, तो क्या होगा कि ब्लड आगे पंप नहीं होगा. देन सीवियर डिसरिदमिया. सीवियर डिसरिदमिया है मींस एबनॉर्मल हार्ट बीट है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हैं. या तो हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है, राइट, या बहुत ज़्यादा ही स्लो बीट कर रहा है. तो इसमें क्या होगा कि जो हार्ट में जो ब्लड पंप होना है नॉर्मली वैसे नहीं होगा और ब्लड इफेक्टिवली आगे पंप हार्ट से नहीं होगा, तो कार्डिक आउटपुट उसमें भी लो होगा. देन है पेरिकार्डियल टेम्पोनेड. पेरिकार्डियल टेम्पोनेड क्या होता है? देखो हार्ट के ना आउटसाइड एक सैक होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और ये पेरिकार्डियम में समटाइम्स फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. जब इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हार्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेगा, लेकिन ये फ्लूइड क्या कर रहा है? हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, उस पर प्रेशर डाल रहा है. तो ये जो हार्ट है, जब इसने रिलैक्स करना है और इसमें जब ब्लड फील होता है रिलैक्सेशन के टाइम पर, तो ये जो हार्ट है वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगा. तो वो क्या है? डायस्टोलिक डिसफंक्शन उसको कहते हैं. डायस्टोलिक क्या होता है? रिलैक्स होना हार्ट का जब हार्ट में ब्लड फील होता है. तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी. जब हार्ट में ब्लड ही फील नहीं होगा तो आगे हार्ट ब्लड को पास नहीं कर पाएगा. देन है ट्रॉमेटिक इंजरी टू द हार्ट. अगर कोई इंजरी हो गई है हार्ट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर सीवियरली क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अनेबल है पंप करने के लिए ब्लड को आगे, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि हार्ट में ही इटसेल्फ कोई एबनॉर्मेलिटी के कारण जो कार्डियक आउटपुट है वो लो हो रहा है, मीन्स जो ब्लड है वो हार्ट से आगे पंप नहीं हो रहा. नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक. अब फिजियोलॉजी इसकी पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी. सबसे पहले क्या होता है? इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. सबसे पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, स्पेशली ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें कोई इंपेयरमेंट स्पेशली आएगी तो जाके कार्डियोजेनिक शॉक होगा. मीन्स यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल ही इम्पेयर्ड हो गया, वो आगे ब्लड को आयोटा में पास नहीं कर पा रहा. देन डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल इम्पेयर्ड है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट लो होगा. कार्डियक आउटपुट किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम पर. तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और डिक्रीज ही कार्डियक आउटपुट होगा. कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है मींस ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा आयोटा में. तो जब आयोटा में ब्लड ही नहीं है तो ब्लड का प्रेशर कहाँ से बनेगा? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, सीवियरली डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा. डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड आगे फ्लो नहीं हो रहा आर्टरीज में, तो क्या टिश्यूज को मिलेगा? टिश्यूज को नहीं मिलेगा ब्लड, तो क्या होगा? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन. देन टिश्यूज के पास जब ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज वर्क करना स्टार्ट कर देंगे. उसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. और जब भी टिश्यूज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है बॉडी में, पाइरूविक एसिड बनता है. और ये सभी एसिड्स क्या बनाते हैं? एसिडोसिस कंडीशन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एसिडोसिस. तो क्या कंडीशन हो जाएगी बॉडी में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, जिससे पीएच डिक्रीज हो जाएगा. और लास्ट में क्या होगा? इनएडिक्वेट सिस्टोलिक एम्प्टिंग, मींस जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आगे ब्लड
पास ही नहीं होगा। इस साइड क्या हो रहा है, एलिवेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर। देखो अब आगे तो ब्लड पंप नहीं हो रहा, हार्ट के पास ब्लड तो है लेकिन ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा, हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, या फिर कोई भी वजह जो हमने पीछे अभी कॉजेस पढ़े उसकी वजह से ब्लड आगे एओर्टा में पास नहीं हो रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड भर रखा है, आगे पास नहीं हो रहा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर रफली दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पर क्या है राइट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आगे एओर्टा में ब्लड पास नहीं हो रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, जब ब्लड आगे पास नहीं हो रहा तो ब्लड ने अब पीछे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है। इंक्रीज पल्मोनरी वेनस प्रेशर, यहाँ पर क्या है पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, ये पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है, ये लंग से आ रही है। अब जब ब्लड आगे पास नहीं होगा तो ब्लड बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, देन पल्मोनरी वेन में। इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उनमें आगे जाके लंग्स में क्या है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जब वहाँ पे ब्लड बैकफ्लो होने लग गया तो क्या होगा पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडीमा, लंग्स में एडीमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जो एल्वेलाई है वहां पर एडीमा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में एडीमा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है आगे तो पास नहीं हो रहा ऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड जो है बैकफ्लो हो रहा है, मीन्स प्रेशर अब पीछे बना रहा है, क्योंकि जब ब्लड हार्ट से नहीं निकल रहा तो ब्लड बैक साइड जाएगा, एंड उससे क्या होगा एल्वियोलर एडीमा, पल्मोनरी एडीमा होगा, जुगलर वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, जुगलर वेन में भी प्रेशर दिखेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, सबसे पहले डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये तो हमें पता ही है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज है, ठीक है, और क्या क्या डिक्रीज है, ब्लड प्रेशर सीवियरली डिक्रीज है, पल्मोनरी एडीमा हो रहा है वो अभी हमने पढ़ लिया, पल्मोनरी एडीमा क्यों हो रहा है, फ्लूइड बैकअप इन द लंग्स ड्यू टू इनसफिशिएंट पंपिंग ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट तो पंप कर ही नहीं रहा ब्लड को आगे, ब्लड ने बैक कहाँ पर चल जाना है लंग्स में, डिस्टेंडेड जुगलर वेन्स ड्यू टू इंक्रीज जुगलर वीनस प्रेशर, अब जुगलर वेन्स भी डिस्टेंड हो इजिली दिखाई देंगी क्योंकि जो प्रेशर है वो बैक फ्लो हो गया है, मीन्स ब्लड का प्रेशर बैक साइड ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से ये साइन दिखेगा। चेस्ट पेन और प्रेशर, और अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का साइन है पर्सन को, हार्ट अटैक का साइन है, वो क्या है चेस्ट पेन होगा, एंजाइनल पेन होगा पर्सन को, प्रेशर होगा चेस्ट में, प्रेशर फील होगी, हैवीनेस फील होगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी पेशेंट को, देन कोल्ड एंड मॉइस्ट स्किन बिकॉज ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सब्सिक्वेंट हाइपर परफ्यूजन ऑफ स्किन। अब देखो क्या हो रहा है कि बॉडी में ना टिश्यूज को ब्लड नहीं जा रहा क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा अच्छे से, तो क्या होगा बॉडी क्या ट्राई करेगी स्किन से पेरिफ्रीज से क्या करेगी टिश्यू जो ब्लड है वो शिफ्ट करेगी, कहां पर शिफ्ट करेगी हार्ट को और ब्रेन को ब्लड पहुंचाएगी, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन्स है इनको बचाना जरूरी है। तो क्या होगा जो हमारे स्किन जरूरी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है बॉडी के लिए, तो वहां क्या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, वेसल्स क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सके, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉडी जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचेगा, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा जो स्किन है जब हम उसको टच करेंगे वो कूल लगेगी, कोल्ड होगी, मॉइस्ट होगी, क्लैमी होगी, सो ये एक साइन है पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का। रैपिड एंड डीपर ब्रीदिंग, पर्सन क्या करेगा जल्दी जल्दी रैपिड ब्रीद करेगा, हाइपर वेंटिलेशन करेगा और डीपर ब्रीद करेगा, ये क्यों हो रहा है देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो ब्लड की एब्सेंस में मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म करना शुरू कर देंगे, दैट इज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि एसिड जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड वगैरह, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए बॉडी क्या करती है ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि पीएच डिक्रीज हो गया है, अब लंग्स को बोलो कि हाइपर वेंटिलेट करे, लंग्स क्या करेगा CO2 को ज्यादा बॉडी से बाहर निकालेगा, क्योंकि CO2 भी एक तरह से एसिड है, एसिड इन द सेंस कि CO2 जब होता है बॉडी में तभी हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है, तो CO2 को बाहर निकालना बॉडी से जरूरी है, तो बॉडी क्या करेगी CO2 को बाहर ज्यादा निकालेगी, जिसकी वजह से रैपिड एंड डीपर ब्रीदिंग होगी, हाइपर वेंटिलेशन होगा, जब CO2
बॉडी से बाहर जाएगा तो एसिड बॉडी में कम होगा, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पीएच नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रैपिड एंड डीपर ब्रीदिंग है, ये क्या है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बॉडी ट्राई करने की कोशिश कर रही है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर आप मेरी एसिड बेस्ड बैलेंस की जितनी भी वीडियोज हैं वो देखेंगे तो आपको ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सभी एसिड बेस्ड इम्बैलेंस वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, ये समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है सडन रैपिड हार्ट बीट, टैकीकार्डिया। और क्या हो सकता है? सडनली टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिदमियाज के भी सिम्टम्स है, लाइफ थ्रेटनिंग एरिदमियाज अकर हो सकते हैं सडनली। एरिदमिया ऑफन टैकीकार्डिया, तो एरिदमिया हो सकते हैं, सीवियर एरिदमियाज हो सकते हैं। रैपिड एंड पल्स, यहाँ पर क्या आएगा? वीक पल्स, रैपिड एंड वीक पल्स ड्यू टू डिक्रीज सर्कुलेशन। तो सीवियरली लो ब्लड प्रेशर है, सर्कुलेशन में ब्लड नहीं है, तो यहाँ पर जो पल्स होगी वो कैसी होगी? वीक होगी और रैपिड होगी। सीवियरली लो ब्लड प्रेशर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग। अब पर्सन को क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिल रही, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पर्सन फटीग फील करेगा, थका हुआ फील करेगा। डिक्रीज मेंटल स्टेटस, अब ब्रेन को जब परफ्यूजन नहीं जाएगी तो मेंटल स्टेटस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। कंफ्यूज होगा पेशेंट, अलर्ट नहीं होगा, फोकस नहीं कर पाएगा किसी भी चीज पर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इवेंचुअली क्या होगा? पर्सन जो कॉन्शियसनेस है वो लूज कर देगा। और अगर जब किडनीज को भी ब्लड नहीं आएगा तो वहां पर एक सिम्टम हमें क्या देखने को मिलता है? ऑलिग्यूरिया। तो ऑलिग्यूरिया मींस डिक्रीज यूरिन आउटपुट या फिर एब्सेंट यूरिन आउटपुट हमें सीवियर केसेस में मिलेगा जब किडनीज को ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट सब कुछ चेक करेंगे, ट्रोपोनिन का लेवल देखेंगे। ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, जब हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये रिलीज होता है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन क्या इंडिकेट करेगा? कि कोई हार्ट अटैक आया है। तो ट्रोपोनिन का लेवल हम चेक करेंगे, ECG करेंगे, एबनॉर्मल जो रिदम है, कोई हार्ट अटैक है, MI हुआ है, ST एलिवेशन MI है या नॉन ST एलिवेशन MI है, वो ECG में हमें पता लग जाएगा। चेस्ट एक्सरेज करेंगे पल्मोनरी एडीमा देखने के लिए, हार्ट के अराउंड कोई एडीमा तो नहीं है, चेस्ट एक्सरेज में हमें पता लग जाएगा। कार्डियोमायोपैथी देखेंगे, एको देखेंगे, एको बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी चेक करने के लिए। लेफ्ट वेंट्रिकल का कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है वो सब चेक करेंगे हम एको में। ABG करेंगे, ABG क्यों करेंगे हम? कोई एसिड बेस अबनॉर्मेलिटी बॉडी में तो नहीं है, राइज हो गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशंस, ये सब हम चेक करेंगे ABG से। लैक्टेट लेवल्स चेक करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लैक्टिक एसिड है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन है, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो लैक्टिक एसिड वगैरह बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका लेवल हम चेक करते रहेंगे। एंजियोग्राम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? देखो हार्ट में अबनॉर्मेलिटी हम कैसे चेक करेंगे? पर्सन को कैथ लैब में भेजेंगे। एंजियोग्राम क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है, जिससे कॉर्नरी आर्टरीज में पता लग जाएगा कि कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, वॉल्व में कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। प्लस ये एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी है, इससे हम ट्रीट भी कर सकते हैं, जैसे कि बैलून एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट डाल सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सो ये सभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट क्या है कार्डियोजेनिक शॉक की? तो सबसे पहले हमारे गोल्स क्या होंगे? सबसे पहले हमारा गोल क्या है? अंडरलाइन कोज को आइडेंटिफाई करना, कि अंडरलाइन कोज क्या है, किस वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, क्या कॉर्नरी कोज है, कि कोई कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या फिर नॉन कॉर्नरी है, तो ये सब हम चेक करते रहेंगे। कोई इन्फेक्शन है, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस है, वो सभी हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट गोल हमारा होगा प्रिवेंटिंग फर्दर मायोकार्डियल डैमेज, हमें मायोकार्डियम को और डैमेज नहीं करना। अगर कोई क्लोट है जिसकी वजह से कॉर्नरी ब्लॉक हो गई है या फिर कोई प्रोसीजर की जरूरत है तो वो हमको परफॉर्म करना है। सेकेंड इज इम्प्रूविंग कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव करना है। थर्ड इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल वाइल रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिमांड्स, तो ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट मसल को इम्प्रूव करनी है। वो कैसे हम करेंगे? कि कॉर्नरी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करेंगे और रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिमांड्स, ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करेंगे, मीन्स जो हार्ट पर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस करेंगे। सबसे फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में आता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा? एडमिनिस्ट्रिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। तो हमने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर्सन को देनी है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है टिश्यूज को। देन एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड्स, फ्लूइड्स IV फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को। अगर पल्मोनरी एडीमा है तो IV फ्लूइड्स हम अवॉइड करते हैं, सो उससे पहले हम पल्मोनरी एडीमा को ट्रीट करेंगे, जैसे डायुरेटिक्स वगैरह देंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करते हैं। देन आएगा कंट्रोलिंग चेस्ट पेन। देखो अगर एंजाइनल पेन है तो उसको कंट्रोल करना है, जो भी एंजाइना का जो प्रोटोकॉल है वो परफॉर्म कर सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं पर्सन को, नाइट्रोग्लिसरीन जो GTN स्प्रे है वो पर्सन को देंगे अंडर द टंग।
ताकि जो कॉर्नरी आर्टरीज है वो डायलेट हो जाए और ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाए, तो चेस्ट पेन को रिड्यूस करना है। देन वेजो एक्टिव मेडिकेशन। वेजो एक्टिव मेडिकेशन क्या होती हैं? देखो नेम से क्लियर है, वेजो मीन्स वेसल्स, एक्टिव मेडिकेशन। तो ये क्या करती है, दे स्टिमुलेट द हार्ट टू बीट स्ट्रॉन्गर एंड बाय स्क्वीजिंग ब्लड वेसल टू इंक्रीज द फ्लो विद इन देन। ये क्या करता है कि हार्ट को ना उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि हार्ट बीट जो है स्ट्रॉन्गर हो और हार्ट स्ट्रॉन्गली बीट करे, ताकि जो ब्लड फ्लो या कार्डियक आउटपुट है वो इम्प्रूव हो। और ये क्या करता है, स्क्वीजिंग ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन मोस्ट ऑफ दी वेजो एक्टिव मेडिकेशन आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिसको वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स बोलते हैं, और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है, जो कि आइनोट्रॉप्स होते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, जो कि हार्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। वेजोएक्टिव मेडिकेशन शुड बी गिवन थ्रू अ सेंट्रल वेनस लाइन, और ये आप कोई भी पेरिफेरल वेनस लाइन के थ्रू नहीं दे सकते, ये आपको सेंट्रल वेनस लाइन के थ्रू देनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज इनफिल्ट्रेशन एंड एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ सम वेजोएक्टिव मेडिकेशंस कैन कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड स्लजिंग। ये जो मेडिकेशंस है ये स्ट्रांग होती है, इससे टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, इसलिए ये प्रेफर क्या करेंगे कि हम सेंट्रल वेनस लाइन से इसको दें। सो मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स क्या होते हैं, देखो ये एक तो आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियल वेसल्स इंक्रीजिंग सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस विच लीड्स टू इंक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। देखो आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड फ्लो जाएगा, टिश्यूज को ब्लड पहुंचेगा। और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वीनस वेसल्स, ये वेन्स को भी कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है, जो हार्ट को जो ब्लड आ रहा है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस वीनस ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजेस कार्डियक प्रीलोड एंड कार्डियक आउटपुट। तो देखो दोनों चीजें हो रही हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से, एक तो आर्टीरियल वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, जब आर्टरी की वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, एक वेनस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वीनस प्रेशर या फिर वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या फायदा है कि जो हार्ट में जो वीनस रिटर्न आ रहा है, मीन्स जो इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है वो प्रॉपर आएगा, तो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कार्डियक प्रीलोड भी इंक्रीज होगा। तो इसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स कौन कौन से आते हैं, देखो इसको वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स भी कह सकते हो आप, डोपामिन डोब्यूटामिन को, और पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स भी। पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हार्ट का जो मसल्स है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके। सो फर्स्ट आता है डोपामिन। डोपामिन की मीडियम डोज इसमें चाहिए, 3-10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, एक्ट एज बीटा एगोनिस्ट टू इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। तो इतनी डोज क्या करती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है। ये क्या करते हैं, हार्ट को स्ट्रांग बनाते हैं, और जिससे हार्ट के जो मसल्स हैं ना वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हुई और देन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ। हायर डोजेस 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट एंड अबव एक्ट एज अल्फा एगोनिस्ट एंड कॉजेज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर हम डोपामिन की डोज और हाई कर दें, 10 माइक्रोग्राम से भी हाई कर दें, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, अल्फा एगोनिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करते हैं। देन डोब्यूटामाइन, डोब्यूटामाइन मेनली हम यूज करते हैं किसमें, कार्डियोजेनिक शॉक में। डोब्यूटामाइन क्या करता है, इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है ये भी, बाय हेल्पिंग हार्ट टू पंप बेटर बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट मसल, ये भी हार्ट मसल को स्ट्रेंथन करता है, एंड इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो बाय वेजो डायलेशन, और ये क्या करता है, वेजो डायलेशन भी करता है। वेजो डायलेशन करेगा, देखो वेसल्स को ये डायलेट कर देता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो भी डायलेट होंगी, तो प्रॉपर ब्लड किस में जाएगा, हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें जाएगा, तो ये ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव करता है। तो इसकी डोज है 2.5-20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, आईवी दिया जाता है ये भी। देन वेजो डायलेटर्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। अब नाइट्रोग्लिसरीन का क्या रोल है, ये वेजो डायलेटर है, ये भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, देखो अगर कोई कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है तो उसमें ये कॉर्नरी आर्टरीज को क्या करेगा, डायलेट करेगा, जिससे इंप्रूव्स परफ्यूजन टू हार्ट, हार्ट में जो परफ्यूजन है वो इंक्रीज हो जाएगी, कॉर्नरी आर्टरीज डायलेट होगी तो हार्ट मसल को प्रॉपर ब्लड फ्लो जाएगा। और ये क्या करता है, डिक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट। इनिशियल डोज इसकी क्या होती है, 5 mcg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन,
और हम क्या दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स क्यों देंगे, अगर पल्मोनरी एडीमा है उसको ट्रीट करने के लिए बॉडी में एडीमा हो गया तो डायूरेटिक्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स टू डिक्रीज हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट एबनॉर्मल हार्ट रिदम है, टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा, तो बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। और देखो अगर कोई एंडोकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस की वजह से अगर कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स भी देंगे। तो अंडरलाइन कॉज को डिटेक्ट करना मेन गोल है। नेक्स्ट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर कॉर्नरी कार्डियोजेनिक शॉक। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, देखो फर्स्ट आता है परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन PCI। इसमें क्या करते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, अगर कॉर्नरी आर्टरी नैरो है स्टंट डाल देते हैं पर्सन की कॉर्नरी आर्टरीज में। तो ये है बैलून एंजियोप्लास्टी या फिर स्टेंटिंग का प्रोसीजर जिसको बोलते हैं परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। देन कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इसमें क्या किया जाता है कि अगर जो कॉर्नरी आर्टरी है उसको रिपेयर नहीं कर सकते तो एक ग्राफ्ट बना दिया जाता है, एक बाईपास बना दिया जाता है, एक ग्राफ्ट वहां पर लगा दिया जाता है कहीं और की आर्टरी या फिर वेन लेकर, एक बाईपास बना दिया जाता है, एक अलग रास्ता बना दिया जाता है ब्लड फ्लो का ताकि मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता रहे। देन एक प्रोसीजर आता है इंट्रा एओर्टिक बलून काउंटर पल्स। इस प्रोसीजर में स्पेशली ये कार्डियोजेनिक शॉक के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है जिसको बोलते हैं डायस्टोली, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसको बोलते हैं सिस्टोली। डायस्टोली के टाइम पर देखो इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर में एक कैथेटर पास किया जाता है आयोटा में। इस कैथेटर के टिप पर क्या होता है, बैलून अटैच होता है। ये जो बैलून है इसको बाहर से इन्फ्लेट या फिर डायलेट किया जा सकता है। तो जब डायस्टोली होती है, मीन्स जब जो हार्ट है वो रिलैक्स है और उसमें ब्लड फिल हो रहा है, डायस्टोली के टाइम पर ही जो कॉर्नरी आर्टरीज है जो कि हार्ट को ब्लड देती हैं वो भी उसी टाइम पर ही उसमें से ब्लड फ्लो होता है। तो डायस्टोली के टाइम पर ये जो बलून है इसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है, मीन्स फुला दिया जाता है, जिससे जो आयोटा है उसमें से प्रॉपर ब्लड पास होता है एंड देन कॉर्नरी आर्टरीज को प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है डायस्टोली के टाइम पर इन्फ्लेट करने का कि जो कॉर्नरी आर्टरीज है उनको प्रॉपर ब्लड फ्लो मिले। जब उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी देन हार्ट आगे अच्छे से पंप करेगा। अब सिस्टोली के टाइम पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, क्योंकि अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने आगे कॉन्ट्रैक्ट करना है और आयोटा में ब्लड को पास करना है, तो ये जो कैथेटर है इस टाइम पर ये डिफ्लेट कर दिया जाता है ताकि हार्ट की इतनी एनर्जी ना लगे आगे ब्लड को पंप करने में। तो अब इसको पढ़ते हैं, द बलून इज सेट टू इन्फ्लेट व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। जब हार्ट रिलैक्स होता है ये बलून को इन्फ्लेट किया जाता है, इट पुशेस ब्लड फ्लो बैक टूवर्ड्स द कॉर्नरी आर्टरीज। ये क्या करता है, इन्फ्लेट करने का ये रीजन है कि ये जो ब्लड है वो कॉर्नरी आर्टरीज में प्रॉपर जाए। दे मे नॉट हैव बीन गेटिंग इनफ ब्लड विदाउट द पंप, इसके बिना उनको प्रॉपर ब्लड मे बी नहीं मिल रहा हो। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है द बलून डिफ्लेट, बैलून क्या करता है डिफ्लेट हो जाता है। दैट लेट द हार्ट पंप मोर ब्लड आउट टू द बॉडी वाइल यूजिंग लेस एनर्जी, ताकि लेस एनर्जी लगे हार्ट का, इतना फोर्स ना लगे हार्ट पर, जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो सके। द डिवाइस कंटिन्यूज टू इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट अंटिल इट इज रिमूव्ड। तो ऐसे ही करते रहते हैं विद ईच रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो बैलून है इसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जाता है। और ये जो है टेम्पररी मैकेनिज्म है, ये टेम्पररी प्रोसीजर है, ये परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट इज हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट, अगर हार्ट के वॉल्स में कोई एबनॉर्मलिटी है तो रिप्लेस किया जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टिंग डिवाइसेस, अब देखो सीवियर इंपेयरमेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल कैपेबल नहीं है ब्लड को पंप करने के लिए, तो यहां पर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस एक होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को असिस्ट करता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। इस डिवाइस को तब तक यूज किया जाता है जब तक पर्सन को कोई डोनर हार्ट ना मिल जाए, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट ही इसका एक ऑप्शन है लास्ट में। देन फॉर डिसरिदमिया, अगर डिसरिदमिया हो रहा है तो क्या है, ट्रीटमेंट नीडेड टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। तो नॉर्मल हार्ट रिदम को रिस्टोर किया जाता है, डिफिब्रिलेशन किया जाता है, कार्डियोवर्जन प्रोसीजर्स किए जाते हैं फॉर डिसरिदमियाज। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी इसमें आता है, डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन, और पेसमेकर पर्सन में डाला जा सकता है। तो ये बहुत सारे इसमें क्या है ऑप्शंस हैं पर्सन के लिए कार्डियोजेनिक शॉक में, लेकिन मेन हमारा कंसर्न क्या रहेगा कि जो अंडरलाइन कोज है उसको ट्रीट करना। सो आई होप आपको कार्डियोजेनिक शॉक समझ में आया हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।